कैसे हैं सभी लोग। तो फिलहाल आज कहाँ जा रहे हैं, आज आप लोगों को लेके चलने वाले हैं हल्द्वानी की कूलेस्ट प्लेस और कपल प्लेस, और सारे टीनेजर्स वहीं पर मिलते हैं। बहुत बढ़िया लोकेशन है और आप लोगों को लेके चलते हैं और थोड़ा बहुत आइडिया भी दे देंगे कहाँ पे वो लोकेशन है। अभी फिलहाल मैं आया था लवेश के वहाँ, तो लवेश को कुछ काम है तो लवेश अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। लवेश तो मिलेंगे हम शाम को। तो फिलहाल अभी लेके चल रहे हैं पंकज को, जो हमारे ब्लॉग में बहुत कम आता है, और आता है तो बोलता है कि मेरे आने से तेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल पंकज को लेके चलते हैं। पंकज मिलेगा मुझे मुखानी में, और कल आप लोग ने ब्लॉग देखा होगा जब मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, तो थोड़ा बहुत अब जो भी था प्रोसीजर पुलिस वाला तो करवा लिया था, अब देखो क्या होता है। तो इस भाई से मैंने बोला चल रहे हो, इसने हाँ बोला। फिर यहाँ पर आके मैंने पूछा ना इससे कि चल रहे हो, ये कह रहा किससे आए हो, मैंने कहा बाइक से, कह रहा ठंड में मेरे लगा दोगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, ये है आपका भीमताल वाली रोड, ठीक है। आप लोगों को भीमताल वाली रोड से नीचे को जाना है, और कहाँ पे जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई यहाँ को ना इतनी ज्यादा धूप आई है, और हमारे वहाँ को इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है ना, पूरे बादल लगे पड़े हैं। और ये सामने इतना ज्यादा खतरनाक दिखता है ना ये पहाड़, जैसे पूरे टूट के, ये तो पूरे टूट के नीचे आ चुके हैं, लेकिन बहुत सेक्सी लगता है। तो यहाँ से आपको लेना है लेफ्ट, ये देखो यहाँ से मैगी पॉइंट से आपको ले लेना है लेफ्ट, ये देखो लेफ्ट लेके आप लोगों को सीधे चलना है। ये है अपनी HMT, ये पूरा HMT का प्लांट है जो फिलहाल बंद हो चुका है, और ये गड्ढे धक 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 धक। तो ये हमारे पंकज भाई जो हमारे साथ बैठे हैं पीछे, और यहाँ पे स्लो चला रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, तब हाथ में फोन पकड़ा है, इतना चलता है थोड़ा बहुत। तो हम आपको लेके चलने वाले सुपर कूलेस्ट प्लेस ऑफ हल्द्वानी, जहाँ पे सारे टीनेजर्स मिलते हैं, सारे कपल्स आपको मिलते हैं, और बहुत अच्छा देखने जा रहे हैं, और हम उन्हें देखने जा रहे हैं। इधर से ये रूट कटेगा और आप लोगों ना ये वाले रूट पे जाना है। उनकी गड्डी यहाँ से नीचे उतरेगी। तो भाई बहुत सेक्सी सा ब्रिज है, और लोकेशन एकदम उंदा है, और हम लोग फिलहाल पहुंचने वाले हैं। ये इधर वाला ब्रिज भी बहुत सेक्सी लगता है। तो आ चुके हैं इतनी प्यारी सी लोकेशन में, बोला था ना कूलेस्ट प्लेस है नहीं है। तो भाई सारे देखो टीनेजर्स आपको यहीं मिल जाएंगे, और ये इसको पोस्ट देखो भाई का खड़े नहीं, ये कह रहे मेरी एक रील बनाओ। तो देखो नीचे भाई कितना सही लग रहा है, देखो अभी तो धूप आ गई ना प्रॉपर, तो और भी सही दे रहा है। और बहुत सारे कैफे हैं यहाँ पे प्यारे प्यारे, उधर को अभी हम लोग जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इधर से ही मजे कर रहे हैं देखो सब लोग। भाई ना 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 भाई इतने ठंडे में पता नहीं ये लोग यार पाँव कैसे डुबा ले रहे हैं पानी में, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। हीटर लेके आया भाई ये देख रहे हो, बात है देख रहे हो लौंडे की, मैंने बोला वो पानी में पाँव कैसे डाल ले रहे हैं, बोल रहे हैं अपना अपना हीटर लेके आया हो, हम जनरेटर लाए हैं। क्या कहते हैं उसको जो गर्म पानी में गर्म पानी करने के काम आता है, क्या कहते हैं रॉड, रॉड लेके आए। बस गाड़ी पार्किंग का तो ये एरिया है, अपनी गाड़ी तो इधर पे पार्क है भाई, नो अल्कोहल। मैं देख रहे हो धूप के लिए हम इतनी दूर से आए हैं, और इधर पे ना सिटिंग एरिया कितना सेक्सी है, और इधर पे नदी चल रही है नीचे, अभी लेके चलेंगे नदी पे। देखो ये लोकेशन ना इतनी ज़्यादा, मतलब लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे आना पसंद इसलिए कर रहे हैं ना कि ना सिटी से हट गया है, दूसरी चीज़ बहुत पास है, तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है ना कि यार कोई ऐसा मतलब कपल्स बहुत ज़्यादा ईजिली आ सकते हैं। फिलहाल हम लोग ने मंगाई थी लेमन टी, क्योंकि चाय पी पी के हमारी चेयर्स लेमन टी चेयर्स मतलब चाय पीने का मन नहीं है, तो हमने लेमन टी मंगाई और मैगी। तो मेरे लेमन टी फ्रेंड हो
अब पंकज भाई की हम लोग, पंकज भाई की शादी है जल्दी, आप लोग बधाइयां दें इनको क्योंकि इनकी एज 28 प्लस हो गई है। जैसे लोग की 18 प्लस होती है, इनकी 28 प्लस हो गई है। क्या पूरा है क्या? तुम तो बूढ़े लगते हैं ना, वैसे शक्ल से लगते नहीं है, इतने ज्यादा बूढ़े होंगे एकदम। मैं 28 साल का हूँ, तुम तो 22 में बूढ़े लगते हो। स्टैमिना तुम्हारा जीरो। तुमने कहा देख लिया मेरा स्टैमिना भाई? मेरे पर रिपोर्ट आई है तुम्हारी। रिपोर्ट है? कौन सी लैब में बैठ रहे हो या स्टैमिना टेस्ट हो रहा है? पंकज थक जा रहे हो बस, तुम घोड़ा चलाते चलाते। क्यों भाई? टाइम ऐसा ही है ना, तुम्हें मंच खिलानी पड़ रही है मुझे। भाई ये लोकेशन कितनी प्यारी है देखो। हाय हाय, ऊपर ये कैफे था और ये पानी आ रहा है और इधर भी कुछ कैफे बन रहा है। पता नहीं मेरे को लेके कहाँ ले जा रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता। ये चाह रहे हैं एक सुकून सा, मतलब यहाँ पे बैठ के मस्त से चिल करा जाए। अब हम छोटी सी मारेंगे एक जंप। लेट्स सी भाई, वाओ मजा आएगा किसी के पिछवाड़े टूटते हुए देख के। कोई बात नहीं, देखा जाएगा। अरे नदी में ही जाओगे, देखते हैं अभी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा पिछवाड़े टूटेंगे तुम्हारे। बिल्कुल बिल्कुल, आ रहा हूँ मैं कूद के। ओहो, गेट सेट गो, 1 2 3। वाओ, अरे कुछ नहीं होगा यार, जितना मारना होगा उतने में पड़ जाता। 1 2 3। 1 2 3 भाई, मजा आ जाएगा। ओहो भाई साहब फंस चुके हैं, अब नहीं आ पाएंगे इधर। नाना नहीं गिरोगे, चलो स्टार्ट हो। जेब में हाथ में डालो, बैलेंसिंग करो। मस्त मस्त भाई, मस्त मस्त गिरो। ओहो, एक अपने बचपन का सिग्नेचर स्टेप दिखा दो, अपने बचपन का जल्दी दिखाओ ना। अरे ये इनके बचपन का सिग्नेचर, मुझे लगता है बचपन में तुमने ना चुंगी खेली है। अरे भाई भाई भाई, मुंह टूटता ना यार इसमें, इसके ऊपर चढ़ के फोटो खींच। ओ पंकज भाई ऐसा मत करो यार, आ जाओ आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ यार, आराम से आना भाई, गिनना मत। भाई कैफे का नाम क्या था? रॉक ऑन कैफे। फिलहाल वापस जा रहे हैं अब घर को। बहुत बढ़िया प्लेस थी, आप लोगों ने देख लिया, लोकेशन आपको पता ही है कहाँ पे जा सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे आते आते ना बंद भी हो गया था, तो हम सही टाइम से आए। फीमेल फ्रेंड को लेके आए, ऐसा फ्रेंड के साथ ना आए, नहीं तो नदी के किनारे पत्थर ही उछालोगे। खाली तुम तो नींद भी आ रही है रात को आजकल, वो भी नहीं आएगी ऐसा देख के तो। मजा आया ना लोकेशन में यार, ऐसा मजे का क्या करें, ये तो पल दो पल के मजे। वीकेंड के लिए बहुत बढ़िया लोकेशन है, सैटरडे संडे इधर ही आता है। पहाड़ों का मजा लेना चाहता है, ठंडे का मजा लेना चाहता है, नियर बाय लोकेशन में बहुत बढ़िया लोकेशन है। बढ़िया प्लेस तो बढ़िया है।